जैसे फिल्मों में हीरोइन ही देखते क्या आप, वो सब कुछ दिखा के चलती है, मतलब जिंदा था। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को वैसे वीडियो नहीं बनाने ना। अरे हम वैसे नहीं बनो, अरे मतलब पूरी बॉडी दिखे भाई, है फिट विट दिखे मतलब। अरे यार एक्टिंग दिखनी चाहिए, हाँ बॉडी की मूवमेंट दिखना चाहिए, यानी कि फेस फेस हिल रहा है, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अरे सुनो बात सुनो, देखो पूरी बॉडी दिखने का क्या मतलब है। हाय हाय, आई एम डायरेक्टर। हम लोग रील्स बना रहे हैं, मैं डायरेक्टर हूँ। किसके डायरेक्टर? मैं रील्स बनाता हूँ तो अच्छी डायरेक्ट कर सकता हूँ आपकी रील्स, अगर आप चाहो तो बनवाना है। क्योंकि मेरी ना एक कंपनी है और हम ना हमारे ना उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो अभी मैं आ रहा तो यार मैंने सोचा कितने अच्छे एक्टिव बंदे हैं यार यहाँ पे, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या बना रहे थे आप यहाँ पे? रील्स। ओ माय गॉड, बड़े क्यूट हो यार, वाह ग्रेट सर। इस पर मिलियन व्यू आने चाहिए। नहीं आ रहे ना। कितने आ रहे हैं आप? बनवा दो ना साथ में तो आ जाएंगे। हाँ आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, बनाना तो आ जाएंगे। तो मैं पता क्या हुआ था, हम ना हर सिचुएशन थोड़ा देखते हैं, ड्रेस वेस भी देखते हैं और थोड़ा कंसेप्ट लेके आते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ोगे तो जो गाने आते हैं हम उसमें आपको पे भी करेंगे। यस आप हमारे साथ ज्वाइन करो हमारी कंपनी को, और उसमें मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ कैसे क्या होता है। जैसे मान लो कोई मेरा सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि हमारे पास जैसे 100,000 ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो रील्स बनाते हैं, फेमस भी अच्छे लेवल पे भी हैं, ऐसे बाद में जो स्टार्टिंग बंदे होते हैं उनको हम कुछ स्टार्टिंग में 2-4 बार मतलब कुछ दिन कुछ नहीं देते ताकि उनका एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद हम पे भी करते हैं। जैसे कोई नया सॉन्ग रिलीज हुआ तो हम रुको ना इसको, बात सुनो ना, मैं आई एम डायरेक्टर ओके। कोई अच्छा सॉन्ग रिलीज हुआ तो हमारे पास ऑफर आते हैं कि सर इस सॉन्ग का प्रमोशन करना है, और तो हम उस सॉन्ग को अपने इन्फ्लुएंसर को देते हैं कि भाई इस पे रील्स बनाओ, उसको हिट करो, जितनी ज़्यादा रील्स बनेंगी उतना ज़्यादा सॉन्ग हिट होगा। तो उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, पे करते हैं। तो अब वो हमारे पास तो करोड़ों का बजट आता था, ऊपर हम उसको ना डिवाइड करना पड़ता ना हज़ारों इन्फ्लुएंसर में, किसी के ₹1,00,000, किसी को ₹1,00,000 देना पड़ता, किसी को 2,000, किसी को 5,000, किसी को 50,000, सबका अलग अलग साइनिंग अमाउंट होता है। और जब तक हम उस गाने पे इतना जोर लगा देते तब तक हिट नहीं होता। तो हम लोगों को क्या मिलेगा बता दो, हम पे करेंगे ना उस पे रील्स बनाने। कितना पे करोगे आप हमें रील्स बनाने? बोला था ना स्टार्टिंग में मैंने, क्या बोला अभी जस्ट बताओ क्या बोला मैं? क्या बोला आपने? फोन का अलग अलग बजट होता है, और स्टार्टिंग में कुछ नहीं देते, 2-4 दिन कुछ नहीं देते, स्टार्टिंग में कुछ नहीं देते, आप रहने दो बाबा, आपको नॉलेज होगी तभी तो। आप एक बार, आपका नाम है, आपको जानता कोई हमारे? नहीं बहुत जानते हैं, ठीक है ना। अरे बस पूछ रहा हूँ मैं आपसे, अगर है तो ज्यादा आप डायरेक्टर हो और हम रील्स बना के ही फेमस हो गए। अच्छा आप फेमस हो और क्या, तो हमें आपका फॉलो वो देखना पड़ेगा ना, कितने आईडी देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से हम, अगर आपका अच्छा वहाँ पे है ना तो, जैसे बहुत सारे डायरेक्टर आते हैं। अरे बाबा आई एम प्रोफेशनल ओके, आई एम नॉट कुडू मैन, आई एम नॉट, आई एम, अरे मैं लगता नहीं हूँ बट दिखता हूँ। थोड़ा लग रहे तो फिर देख ले। बात सुनो ना, मेरे अप्रोवाली का ऐसी बात नहीं है। जैसे एक सॉन्ग आया अभी हाल में, सॉन्ग आया दिखाओ ना एक, कौन सा बताओ? मैं निकाल के देता हूँ ना उसपे, अगर आप रील्स बनाओगे उसपे तो आपको चलो कुछ पे भी कर देंगे, एक बार देखता हूँ तुम्हारा। अभी 1739 फॉलोअर है तुम्हारे मैडम, तो सुनो आपके जब 5,000 फॉलोअर हो जाएंगे उसके बाद हम पे करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा यस, अच्छा 5,000 के बाद। और हम ना एग्रीमेंट करेंगे, हमारा एक एग्रीमेंट होता है साल महीने का, 6 महीने का कुछ, और ऐसी बात नहीं कि हम फिक्स पेमेंट करेंगे, जितना आप अच्छा काम करते रहोगे तो आपका बजट बढ़ता रहेगा। तो मेरे फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे? आप डायरेक्टर हो ना तो बताओ। अभी क्या बोला मैंने, अभी काम करना पड़ेगा आपको, बताएंगे आप हमारे साथ ज्वाइन हो गए, आपको एग्रीमेंट करवाया जाएगा, हम आपको कुछ रूल्स होंगे, कुछ गाइडलाइन होंगे, वो आपको फॉलो करवाएंगे, और उस हिसाब से आपको बताएंगे क्या ड्रेस पहननी है, क्या दिखाना है लोगों को, पब्लिक को क्या दिखना चाहिए, वो सब मेंटेन कराएंगे। अभी आप कुछ भी नहीं दिखना, जैसे आपका मतलब सॉरी इन द सेंस, अरे मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ड्रेस भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। अच्छा, अच्छा। जैसे फिल्मों में हीरोइन ही देखते क्या आप, वो सब कुछ दिखा के चलती है, मतलब जिंदा था। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को वैसे वीडियो नहीं बनाने ना। अरे हम वैसे नहीं बनो, अरे मतलब पूरी बॉडी दिखे भाई, है फिट विट दिखे मतलब। अरे यार एक्टिंग दिखनी चाहिए, हाँ बॉडी की मूवमेंट दिखना चाहिए, यानी कि फेस फेस हिल रहा है, क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। अरे सुनो बात सुनो, देखो पूरी बॉडी दिखने का क्या मतलब है? अरे पूरी बॉडी नहीं दिखने, मतलब पूरी बॉडी के मूवमेंट दिखने चाहिए। अच्छा तो ये बॉडी मूवमेंट, यस यस, आओ थोड़ा आगे पीछे बैठो। डायरेक्टर हो? अरे आई एम प्रोफेशनल कास्टिंग डायरेक्टर, नो कास्टिंग ओके, आई एम प्रोफेशनल, दिखता नहीं बट हूँ। हाँ वही सही बोले एकदम, दिखते नहीं बट हूँ ना मैं।
तो अच्छा, एक सॉन्ग आया अभी, उसको पे आपको एक रील बनानी, मैं देख रहा हूँ कैसे क्या करोगे। मैं पहले आपको एक बार थोड़ा जज करेंगे मैडम। मान लो यहाँ से हम रील्स निकालेंगे, कैमरा ऑन किया, यहाँ पे ऑडियो पे सर्च करेंगे सॉन्ग, जैसे मेरा नाम ही सर्च कर लो आप, पसंद जांगड़ा सर्च करोगे रील्स पे। अच्छा, आप हो इंस्टाग्राम पे? अरे हम हर जगह है ना, बोला ना मैं डायरेक्ट वैसे बता रहा हूँ। जैसे अभी ना, जैसे ये है समझ में आ रहा आपको? एक मिनट, एक रुको ना, ये बताना वर्डिंग समझ में आ रही है आपको? नहीं, हरियाणवी लैंग्वेज है ना। अरे मेरे को बस इतना बताओ, सुनने तो दीजिए। मैं सुना रहा हूँ बस, वर्डिंग बताना समझ में आई नहीं आई। सुनो, समझ में आया? ये बोला थारे गांव में आगे बटे खातिरदारी करो, इनकी कुछ समझ में आया इसका? तो आप हरियाणवी हो तो आपको समझ में आएगा, हमें हाँ। हम तो नहीं। हाँ, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही सॉन्ग निकालने होते, जैसे कुछ वर्ड होते, ऐसे जरूरी तो नहीं है सभी बॉलीवुड तो के सॉन्ग मिले हमको, हमें हर लोकेशन के, जैसे राजस्थान है, एमपी है, गुजरात है, भोजपुरी। राजस्थान का समझ में आता, पर आपका नहीं आ रहा समझ में। कोई बात नहीं, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट म्यूजिक है ना वहाँ पे, तो ऐसे ही वो हम पढ़ सकते हैं। हाँ, वो जब वर्डिंग हमें कंप्लीट आनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और ये नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में ना आएगा तो भी इस पर रील बनानी है, ये नहीं है। तो वो लिपसिंग प्रॉपर करनी होगी? लिपसिंग जरूरी नहीं, चल के आ जाओ, कुछ मोमेंट दे दो, स्लो मोशन बना दो उस पे, ऐसा कुछ भी। अगर जिस हिसाब से आप करोगे वो तो लिपसिंग याद कर लो ना, जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर पाओगे। कोई भी लैंग्वेज हो, हमें ये नहीं करना कि हम ये नहीं कर पाएंगे। हर कोई भी सॉन्ग आए, ये मत बोलना कि कैसा सॉन्ग है, कितना गंदा सॉन्ग, तारीफ करनी है, पानी मारना है, पानी मारना, समझते हो? पानी मारना नहीं, पानी मारना ही नहीं, झाड़ के पेड़ पे चढ़ाना, मस्का लगाना। जैसे जैसे कोई सॉन्ग, जैसे मेरा ही सॉन्ग लगा लो, बहुत ही गंदा सॉन्ग मान लो, मतलब आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से गंदा है। अरे नहीं, ऐसा मजाक में वैसे बोल रहा हूँ, वैसे मतलब गंदा सॉन्ग है। अच्छा, आप बताओ तो हमें करना क्या है? तो उसको गंदा नहीं बताना, मस्का लगाना, कितना अच्छा सॉन्ग है। हाँ, बहुत अच्छा। और बनाना, फिर बना के दिखाओ, वो तो आपको डिसाइड करते हैं, वो फिर पेमेंट वेमेंट का भी कर लेंगे। देखो, हम चाहते हैं जो नए क्रिएटिव बनते हैं उनके पास, सच्ची बात ये है, जो नए नए इन्फ्लुएंसर घूम रहे बेचारे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके पास ना मौके आ नहीं पाते। चलिए हम लोग करते हैं, पक्को स्टार्ट, पक्को लोग। अरे यार, आपको मोबाइल फोन दे, दिखाओ कैसा क्या लगे। क्या बनाती है? अरे देखो, जो बनाएगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा। हाँ, मैंने बोला ना कि ऐसा कोई भी सॉन्ग हो, चाहे जीरो बजट का भी क्यों ना हो, उसको भी करना है, क्योंकि प्रमोशन कुछ लोग क्या है, समझ रहे हो बात मेरी? तो मस्का लगाओ, काम पैसा कमाओ, मैन मकसद क्या है? पैसा कमाना। यार, जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उनको थोड़ा वैल्यू मिलनी चाहिए, वैल्यू भी देनी पड़ेगी आपको। तो पैसे कमाएंगे तो वैल्यू अपने आप बन जाएगी ना। ये है, करें इस पे क्या करोगे? क्या करना? बस नॉर्मल डांस करते हुए आना, चलते हुए ना, जैसे मोमेंट में चलते हुए ना, ची 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 ऐसे चलते हुए आते हैं। अरे मतलब जैसे कि अरे वैसे बता रहा हूँ, अपने साथ कुछ भी डांस करो। जैसे कि नहीं नहीं शादी होती, शादी में जाते हैं ना, बराती बराती वो सब होता है, जो लड़की के घर पे जाते हैं डांस करते हुए, देखा अपने ऐसा माहौल? वैसे डांसेस गाने, वैसे डांसेस गाने। हाँ, तो वो लोग हम बताएंगे ना, हम क्या बोला मैंने, मैं कौन डायरेक्टर हूँ आप? हाँ, मैं भूल गया था क्या। करोगे एक्शन? बोलू गजब।
गजब हो यार तुम लोग, क्या रील्स बनाई है यार, वाओ गजब गजब गजब। मैं आपको साइन करता हूँ, ओके? आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दीजिए, इसको शेयर करो ना यहाँ पे, हमको ट्रैक डालो ना, शेयर करो ना इसको, टैग करते हैं आपको, ओके, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हमारी कंपनी में नए बंदे। आपका नाम क्या मैडम? मेरा नाम सोनी। आपका? मायरा। आपने टैग नहीं किया, डाला नहीं वीडियो? डालते हैं, डालना पड़ेगा। आप अपना नंबर दे दो ना, बताता ना इंस्टाग्राम पे टैग करो, पहले टैग करो ना उसको यार। कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देंगे? कॉन्टेक्ट नंबर देंगे ना आपको, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए ना, ताकि हम लोग आपसे कॉल करके पूछते रहे, बात करते रहे, ताकि आप हमें बुलाते रहोगे, हम डालना पैसे कमाते ना, रहेंगे। अरे नया सॉन्ग आया बेचारे का, किसी का प्रमोशन हो जाएगा। अरे वो ठीक है ना, पहले तो वो भी कर देंगे, पहले आप नंबर तो दीजिए अपना। तो मेरा नंबर चाहिए आपको? नंबर चाहिए, आप डायरेक्टर हो ना? यस यस बेबी। पैसे तो आप दे हम लोगों को, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेबी नहीं बोला मैंने, वो गलती से निकल गया थोड़ा सा लगा। कोई नंबर दूं आपको? दो। अरे बोलो ना, ये मेरा नंबर है, ओके? हाँ। मैं बसंत झाड़ा मेरा नाम है। अच्छा, अच्छा। ओके, और मेरे को कॉल करना, किस टाइम कॉल करोगे? जब भी मतलब हमें कॉन्सेप्ट का लगेगा कि हाँ हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग आपसे पूछ लेंगे। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। चलेगा चलेगा, हाँ ठीक है। ये मैंने नंबर सेव किया है, मेरे को कॉल वॉल करना, हम बता देना जब भी आप लोगों को टाइम होगा, मैं आपको सॉन्ग भेज दूंगा। वेलकम, देखो गुड गाय, नाइस गाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय। हां चलो गुड करना, थैंक यू सो मच। तो करोगे कॉन्टेक्ट मुझे? हां कौन है पक्का? आप डायरेक्टर हो यार? नहीं, प्रैंक बनाता हूं। हां थर्ड कैमरा लग रहा सामने, ये तो डायरेक्टर बोला, खिद सुनो यार, प्रैंक कर रहा था ना वो सब मैं। हे गाइस वेलकम बैक अपनी नई हवेली। ओ सॉरी क्या बोले यार, अरे हवेली नहीं यार, सहेली नहीं यार। ओ इन्फ्लुएंसर, अपने नए इन्फ्लुएंसर, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, ठीक है। नाम क्या है हमारा? यूट्यूब पे चैनल है बसंत अंगड़ा के नाम से, और हमारी कंपनी है इंस्टाग्राम पे जो बहुत बड़ी कंपनी है, उस पर हम पेड प्रमोशन करते हैं। कॉन्टेक्ट करना हमें, सही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, ओके? अरे रियली बाबा रियली, तो उससे हाय प्लीज। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको इस वीडियो से? अगर हम इसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस? नहीं नहीं, बाय, थैंक यू सो मच, बाय। हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और हाँ खुश रहा, कुछ लेके जाना यहाँ से, सब कुछ मुंह में आया दोस्तों। और हाँ मतलब सब में खुश रहा करो यार, देखना कितनी तारीफ की जिंदगी, आप देखो मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि यार समझ रहे हो, बाय।